दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि MI A1 में एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट आ चुका है और जो ये अपडेट है ये बैचेज में रोल आउट किया गया है, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। हमारा फोन अपडेट हो चुका है तो आज की वीडियो में हम हाई एंड गेमिंग करके कंपैरिजन करेंगे Honor 7S और MI A1 के बीच। तो देखते हैं कि ओरियो अपडेट आने के बाद कैसा परफॉर्म करता है MI A1। यहाँ हम देखेंगे कि Honor 7X और MI A1 दोनों में जब हम हाई एंड गेमिंग करते हैं तो बैटरी कैसा परफॉर्म करती है और कितना कितना टेम्परेचर रहता है दोनों फोन में, हीटिंग इशू है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर आइडिया हो जाएगा कि गेमिंग के लिए इन दोनों में से कौन सा डिवाइस बेस्ट है। एक में है Kirin 659 और दूसरे में है Snapdragon 625, और ये गेम प्ले करेंगे मिस्टर विशाल विशाल यूट्यूब चैनल से। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। गेमिंग शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्या आपका मोबाइल चार्जिंग के टाइम हीट होता है? मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गेमिंग शुरू करने से पहले बैटरी लेवल और टेम्परेचर देख लेते हैं दोनों फ़ोन का। Honor 7X की बैटरी है 75% और टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। MI A1 की बैटरी है 70% एंड टेम्परेचर है 36.5 डिग्री। चलो अब गेमिंग शुरू करते हैं Asphalt 8 के साथ। दोनों में हाई ग्राफिक्स मोड सेट कर दिया है। दोस्तों, इस गेम में थोड़ा लैग और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं Honor 7X में। MI A1 में Asphalt 8 बिल्कुल स्मूथ चल रही है। एक्चुअली कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो एड्रीनो GPU के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। माली GPU पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितना कि एड्रीनो GPU पर करती हैं। Asphalt 8 के साथ भी वही दिक्कत है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट गेम में कैसा परफॉर्म करता है Honor 7X। चलो अब नेक्स्ट गेम शुरू करने से पहले बैटरी लेवल और टेम्परेचर देख लेते हैं। दोस्तों, 7 मिनट तक Asphalt 8 खेलने के बाद Honor 7X में 5% बैटरी ड्रॉप हुई है, 70% बैटरी है अब और टेम्परेचर बढ़कर हो गया है 40 डिग्री। MI A1 में बैटरी है 63%, यहाँ बैटरी 7% ड्रॉप हुई है एंड टेम्परेचर है 38.2 डिग्री। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की ओर जो है PES 2018। ये गेम दोनों में ही बहुत अच्छे से चल रही है, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है। बाकी पर्सनली मुझे Honor 7X का डिस्प्ले MI A1 से बेटर लग रहा है, कलर्स काफी वाइब्रेंट लग रहे हैं Honor 7X में। आप कमेंट करके बताना मुझे आपको दोनों में से किस डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी। तो बहुत अच्छे से दोनों ने इस गेम को हैंडल किया है। 15 मिनट तक PES 2018 खेलने के बाद Honor 7X की बैटरी है 64% और टेम्परेचर 38 डिग्री। MI A1 की बैटरी है 57%, टेम्परेचर 38.2 डिग्री। अब खेलते हैं हम अपनी लास्ट गेम जो है Unkilled। इस गेम में भी Honor 7X और MI A1 दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है।
करीबन 7 मिनट तक अनकिल्ड खेलने के बाद ऑनर 7S की बैटरी है 60% और टेम्परेचर 38 डिग्री। MI A1 की बैटरी है 52% और टेम्परेचर है MI A1 का 38.2 डिग्री। तो दोस्तों हीटिंग इशू नहीं है दोनों फ़ोन में, बस एक बार एस्पल डेट के बाद 40 डिग्री तक टेम्परेचर गया था ओनर 7S का, बाकी सभी गेम्स में टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास ही रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस दोस्तों दोनों फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन का चक्कर रहता है माली GPU में किसी किसी गेम के साथ, बाकी मोस्टली गेम्स में ओनर 7X काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना एक बार, ओरियो अपडेट आने के बाद आप MI A1 में क्या मेजर इशू फेस कर रहे हो, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि अपडेट करने के बाद वाईफाई और वोल्टी में प्रॉब्लम आ रही है। वोल्टी कई बार ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसे फिर से कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है। आप भी बताना मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।